न्यूजीलैंड के लिए टीम इंडिया का हुआ ऐलान, भारत का अगला कप्तान तैयार। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रोहित की गैर मौजूदगी में कौन होगा कप्तान, न्यूजीलैंड दौरे से हो गया साफ। रोहित की जगह ये होगा ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम इंडिया का टेस्ट कप्तान, सामने आई फ्यूचर प्लानिंग। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए जसप्रीत बुमराह को कप्तान बनाकर अपनी फ्यूचर प्लानिंग साफ कर दी है। इस फैसले से स्पष्ट हो गया कि बीसीसीआई जसप्रीत बुमराह को रोहित शर्मा का उत्तराधिकारी मान चुकी है। दरअसल 16 अक्टूबर से न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की घरेलू टेस्ट सीरीज खेली जानी है। पहला मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगा। 11 अक्टूबर को इस सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा भी हो गई है। चयन समिति ने बांग्लादेश के खिलाफ हालिया 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला के लिए वही टीम बरकरार रखी है जिसे भारत ने 2-0 से जीता था। कई साल से सबसे लंबे प्रारूप में अपने शानदार प्रदर्शन के कारण स्पीड स्टार जसप्रीत बुमराह को टेस्ट टीम की उपकप्तानी से सम्मानित किया गया है। बुमराह ने हाल ही में आईसीसी टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में अपने साथ ही रविचंद्रन अश्विन को पॉल पोजीशन से हटाकर टॉप स्थान हासिल किया था। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में जसप्रीत बुमराह ने 2 मैचों में 12.81 की औसत के साथ 11 शिकार करते हुए संयुक्त रूप से सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने थे। इसी के साथ ये भी साफ हो गया कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जब रोहित शर्मा शुरुआती 1 या 2 टेस्ट मैच नहीं खेल पाएंगे तो उनकी गैर मौजूदगी में जसप्रीत बुमराह ही टीम की कमान संभालेंगे। पीठ की सर्जरी के बाद अगस्त 2023 में भारतीय टीम में वापसी के बाद से बुमराह सभी प्रारूपों में शानदार फॉर्म में हैं। टेस्ट में उन्होंने अपनी वापसी के बाद 8 मैचों में 14.69 की बेहतरीन औसत और 45 रन पर 6 विकेट के सर्वश्रेष्ठ आंकड़े के साथ 42 विकेट लिए हैं। 30 वर्षीय खिलाड़ी ने अब तक 38 टेस्ट मुकाबलों में 20.18 की औसत के साथ 170 विकेट लिए हैं जिसमें 10 बार 5 विकेट लेने का कारनामा भी वो कर चुके हैं। जुलाई 2022 में एजबेस्टर में इंग्लैंड के खिलाफ रिशेड्यूल किए गए 5वें टेस्ट मैच के दौरान बुमराह ने एक बार भारत की कप्तानी भी की है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। इस सीरीज के लिए भारत स्क्वाड का भी ऐलान हो गया है। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली 15 सदस्यीय टीम के उपकप्तान तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह होंगे। पिछले दिनों भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 2-0 से हराया था। वहीं अब न्यूजीलैंड के सामने अपने घरेलू मैदान पर 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल में भारतीय टीम टॉप पर चल रही है। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज जीतकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ ओपनर के तौर पर रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल होंगे। इसके बाद टॉप ऑर्डर के लिए शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल और सरफराज खान जैसे बल्लेबाजों को चुना गया है जबकि विकेट कीपर के तौर पर ध्रुव जुरेल और ऋषभ पंत स्क्वाड का हिस्सा है। वहीं रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव स्पिन डिपार्टमेंट संभालेंगे। साथ ही तेज गेंदबाज के तौर पर जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और आकाशदीप होंगे। तो चलिए एक नजर डालते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम पर। रोहित शर्मा कप्तान, जसप्रीत बुमराह उप कप्तान, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, सरफराज खान, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और आकाशदीप। तो आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही खबर को शेयर करें और जुड़े रहें हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।